धन आवश्यक है ऋषि अत्रे, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। धन चाहे कितना भी हो ऋषियत्र, मूल आवश्यकता है तो केवल उतनी ही। धन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन, आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, वेश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। इस संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के, तोड़ना और उसे पार करना। तो मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुम्हारा अपराध था एक त्रिदेव को दूसरे से बड़ा समझना, उनमें भेद करना, उनमें तुलना करना। यही थी तुम्हारी भूल। तुम ये समझने में असफल रहे कि त्रिदेव तो एक है, समकक्ष, कोई भी किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं, कोई भी किसी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं और कोई भी किसी से कम महत्वपूर्ण भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया वो भक्ति नहीं थी निकस, भक्ति के नाम पर किया जाने वाला अहंकार था वो, कि तुम्हारे आराध्य सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे भक्त हो तुम में जो ये भूल गए कि तुम्हारे आराध्य के भी आराध्य नारायण।
भक्त यदि सच्चा तो उसके पास अपने आराध्य को पाने के अतिरिक्त ये सोचने का समय ही कहां होता है कि उसके आराध्य से महत्वपूर्ण भी कोई है या नहीं। वो तो प्रतिपल अपना ध्यान केवल अपने आराध्य पर ही स्थिर रखता है और जब ऐसा होता है निकष तो ना तुलना होती है ना प्रतिस्पर्धा होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या होती है। बात तो केवल आनंद की अनुभूति ही विद्यमान होती है। यदि तुम ये सोचते हो कि यह समस्त संसार केवल मुझसे है तो तुम्हें इस संसार के प्रत्येक स्वरूप से प्रेम होना चाहिए था। तुम्हें इसके कण कण में मेरी अनुभूति होनी चाहिए थी। तब भी किसी प्रकार का भेदभाव तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं होता, किंतु तुमने ये प्रमाणित कर दिया निकास कि अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी भक्ति वो भी अधूरी थी, अपूर्ण थी।